अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जिसको कि शॉर्टकट में नाटा NATA के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रोग्राम 12th पास या 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस से, खास करके PCM के स्टूडेंट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. और बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है इसमें. आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही अच्छी जगह. और आर्किटेक्ट की बात करें तो इसमें जॉब बहुत बढ़िया है और इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं. आप समझ सकते हैं कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन आपको करना होगा, कोई सोसाइटी बन रही हो उसका डिज़ाइन करना होगा, अगर आगे चल के एक बड़े आर्किटेक्ट के रूप में बन गए तो कोई नई सिटी बन रही हो उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये काम सिर्फ आर्किटेक्ट लोगों का होता है और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज़ है. जिसे भी लगता है अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के कि वो अच्छे हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 12th में साइंस पढ़ी है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको किसी भी सर्च इंजन पर जाकर के www.nata.in लिखना होगा तो ये वेबसाइट पेज खुलेगी जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि एक्चुअली में नाटा है क्या. नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर मेजर्स द एप्टीट्यूड ऑफ द एप्लीकेंट फॉर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज आर्किटेक्चर. द टेस्ट मेजर्स द ड्रॉइंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, aesthetic sensitivity and critical thinking ability that have been acquired over a long period of time and that are related to specific field of study that is architecture. तो ये आप समझिए, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, उसको फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कार्बोजर ने डिज़ाइन किया था. और आप समझ सकते हैं कि वो हिंदुस्तान की पहली प्लान्ड सिटी है, बहुत ही खूबसूरत है. हालांकि मैं तो उस शहर में लगभग 40 दिन रहा भी हूँ, बहुत ही बढ़िया है. कभी आपको जाने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि किस तरीके से प्लान्ड सिटी, और इसी तरीके से आजकल प्लान्ड सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है जो आप बड़े बड़े शहरों में देख रहे होंगे और शहर के आउटस्कर्ट्स पर बन रहे होंगे. दिल्ली NCR और पटना जैसे शहरों में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं और आ रही हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. आपको करना क्या होगा कि ये नाटा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, नाटा 2020 रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है. अब हम आपको बताते हैं कि इसमें इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या पैटर्न होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा ताकि आप इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो पाए और बाद में एक अच्छे आर्किटेक्ट के रूप में अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके. चलिए, ये PDF है जो हमने इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, जो साल 2020 के नाटा के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. सबसे पहले हम आते हैं आपके क्वेश्चन पैटर्न पे. तो क्वेश्चन पैटर्न में दो तरह के पेपर्स होंगे. सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका ये ड्राइंग का पेपर होगा. उसमें तीन क्वेश्चन होंगे, उसमें तीन क्वेश्चन होंगे और पहले दो क्वेश्चन जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे. फिर बाद वाला एक क्वेश्चन होगा वो भी 55 मार्क्स का होगा. तो कुल मिलाकर के पार्ट ए जो है ये 125 नंबर का होगा, 70+55, और इसमें 25% मार्क्स पाना अनिवार्य है. पहले लेवल को क्रॉस करेंगे तभी आप दूसरे पार्ट में बैठ पाएंगे, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन अलग अलग डेट को है. और पार्ट बी में तो पहले ड्राइंग वाला टेस्ट पास करने के बाद, जिसमें तीन क्वेश्चंस हैं 125 नंबर के, उसको पास करने के बाद पार्ट बी में बैठेंगे आप. पार्ट बी में आपका PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स के होंगे. यानी कि ये पेपर 22.5 PCM वाला, और सेकेंड जो इसी में होगा वो जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें भी 1.5 मार्किंग होगा हर एक क्वेश्चन के लिए. तो कुल मिलाकर ये हो गया 52.5, यानी कि 75 मार्क्स का टेस्ट जो है वो पार्ट बी में आपको देना होगा. तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि पहला पार्ट जो है आपका जो ड्राइंग का है, जिसमें तीन क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी. अब हम चलते हैं कि ड्राइंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें
टेस्ट की जाएंगी, ये सारी चीजें मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। इट विल चेक एबिलिटी टू स्केच अ गिवन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनेटली एंड रेंडरिंग द सेम इन विजुअली अपीलिंग मैनर। मतलब बहुत ही किसी ऑब्जेक्ट को देख करके आप कितने अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एक खास प्रोपोर्शन होता है, तो दैट जो आर्टिस्ट होते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। विजुअलाइजिंग एंड ड्रॉइंग द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड शेडोज कास्ट ऑन सराउंडिंग्स। तो किस तरीके से अगर किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है, किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, कौन सा फेस उसका डार्क होगा, कौन सा लाइट होगा, इन सब चीज़ों का भी आपको अपने ड्राइंग में ध्यान रखना होगा। सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ड्राइंग की एक ठीक ठाक पर्सपेक्टिव आपके पास होनी चाहिए। देन कंबाइनिंग एंड कंपोजिंग, गिवन 3D, 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखानी होगी अपने उस ड्राइंग के टेस्ट में। क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 2 डायमेंशनल कंपोजिशन यूजिंग गिवन शेप्स एंड फॉर्म। कुछ आपको ऐसी चीज़ें वस्तुएं दी जाएंगी जिसको मिला करके आपको 2D फिगर बनाना है, तो ये सब चीज़ें भी आपके क्रिएटिविटी में दिखनी चाहिए जो आप टेस्ट पहला देंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शंस एंड ड्राइंग फ्रॉम मेमरी थ्रू पेंसिल स्केच ऑन थीम्स फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंसेस। मतलब एक टॉपिक भी दिया जाएगा जिसके आधार पर जो भी आपके दिमाग में थॉट आता है, जो भी आपके दिमाग में एक फिगर उद्धृत होता है, उसके आधार पर आप बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरा टेस्ट जो होगा वो PCM क्लास 11th एंड 12th को मिलाकर के होगा खास करके, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही होंगे। पहली परीक्षा जो है ये शेड्यूल की गई है आपकी अप्रैल के महीने में, और दूसरी जो है ये मई के महीने में शेड्यूल की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा अवसर है। और ये कोर्सेज बहुत पुराने भी नहीं हैं, मतलब हाल फिलहाल में ही नाटा, तो वैसे बात करूँ तो 1970s में आया है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये फील्ड से थोड़ा हटकर है। जैसे लोग जनरली 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर BA जैसे कोर्सेज कर लेते हैं, BA BSc, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है, अपनी क्रिएटिविटी को एक अच्छा अंजाम देना चाहते हैं, एक बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे पता लगती है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचे, ताकि स्टूडेंट इससे अवेयर रहें और अपने करियर को चुनने में उनको कोई भी समस्या न हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।